फ्रेंड, आज हम लोग हर वर्ष बीएससी नर्सिंग एग्जाम में द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, द गैप बिटवीन टू टू न्यूरॉन इज कॉल्ड डेंड्राइट, सिनेप्सिस, एक्जॉन, इम्पल्स। तो फ्रेंड जो पूछ रहा है न्यूरॉन, जो फ्रेंड न्यूरॉन जो होती है हमारी ऐसे जो फ्रेंड जो नर्वस सेल होती है इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड, इसी की इकाई जो क्या फ्रेंड न्यूरॉन है। इस गैप इनके मध्य जो खाली स्पेस है फ्रेंड इसे क्या कहते हैं। तो फिर जो न्यूरॉन टू न्यूरॉन के मध्य जो स्पेस होता है फ्रेंड उसे सिनेप्स कहते हैं। तो फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन जो होता है फ्रेंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वह कौन कौन से कार्य को कंट्रोल करता है। थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। या ब्रेन जो होता है फ्रेंड या थिंकिंग की प्रोसेस भी करता है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट की प्रोसेस भी करता है, बैलेंसिंग द बॉडी। तो इस वजह से फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव फ्रेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ दीज ऑर्गेन सिक्रीट ग्लूकान, निम्न में से ग्लूकागन, निम्न में से कौन सा ऑर्गेन फ्रेंड जो है ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करता है। पैंक्रियाज, बी पिट्यूटरी, सी एड्रीनल ग्लैंड, डी हाइपोथैलेमस। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है फ्रेंड वह ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करता है। इसमें से फ्रेंड जो पिट्यूटरी है फ्रेंड जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, इसमें इसमें दो पार्ट होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें से फ्रेंड जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जो फ्रेंड एड्रिनल ग्लैंड दिया है इससे फ्रेंड जो है एपिनेफ्रिन और इससे जो फ्रेंड एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो हमारे हार्ट जो किस जब हमारे सांप कोई सांप आ जाता है तो अगर हम देख के उसे घबरा जाते हैं तो हमारी बॉडी में उस टाइम जो फ्रेंड एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनेलिन हार्मोन का सिक्रीशन कर देता है, जिसके कारण हमारी जो है ब्लड फ्लो होने की रेट और जो हार्ट बीट की रेट है जो फ्रेंड वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ दीज इंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड इन द ब्रेन इंटरैक्ट क्लोजली विद द हाइपोथैलेमस, निम्न में से कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड जो ब्रेन में सिचुएटेड होती है और हाइपोथैलेमस से इंटरैक्ट होती है। ए पीनियल, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी थायमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी जो है फ्रेंड वह इंटरैक्ट होती है क्लोजली विद द किसके साथ फ्रेंड, हाइपोथैलेमस के साथ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ दीज इंडोक्राइन डिसऑर्डर कैन स्पेसिफिकली अफेक्ट वुमेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, निम्न में से कौन सी इंडोक्राइन डिसऑर्डर प्रेगनेंसी के टाइम जो प्रेगनेंसी के टाइम जो है फ्रेंड वह वुमेन को अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड ए दिया हाइपोगोनेडिज्म, बी दिया डायबिटीज, सी दिया ए एंड बी, डी दिया नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। डायबिटीज जो होता है फ्रेंड वह प्रेगनेंसी वुमेन जब वुमेन प्रेगनेंट होती है अगर उसको जो आयोडीन के जो अमाउंट है कम मिल रही है तो उसके बेबी में जो है फ्रेंड वह स्किन जो होती है वह मतलब थोड़ा रफ्चर टाइप दिख रही, मतलब सूखी होगी, अच्छी नहीं होगी उनकी स्किन फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच एरिया ऑफ द बॉडी डज नॉट हैव एनी इंडोक्राइन ग्लैंड, शरीर के किस भाग के समीप या पास कोई किसी भी प्रकार की इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है। ए द ब्रेन, बी द नेक, सी द ऑर्गेन्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, द ऑर्गेन्स। जैसे फ्रेंड लीवर जो है फ्रेंड वह ऑर्गेन से, पर उसके पास कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है फ्रेंड वह फिर भी उससे जो है फ्रेंड क्या होता है पितरस का सिक्रीशन होता है फ्रेंड, बाइल जूस का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियाज विद इन द इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत पैंक्रियाज की क्या भूमिका है। ए टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, बी टू प्रोड्यूस हार्मोन लाइक ग्लूकागन एंड इंसुलिन, सी सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोड्यूस हार्मोन लाइक ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन। पैंक्रियाज जो होता है फ्रेंड वह ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द टर्म हार्मोन वाज फर्स्टली कॉइंड बाई, हार्मोन शब्द जो है फ्रेंड वह सर्वप्रथम किसने दिया था, प्रयोग किया था। ए विलियम बेलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग इन 1902, बी अर्नेस्ट स्टार्लिंग एंड रॉबर्ट इन 1905, सी विलियम बेलिस एंड मिलर इन 1904, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने 1902 में जो है फ्रेंड हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ए सेल इन अ सेंस ऑर्गेन व्हिच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड, ए सेल इन अ सेंस ऑर्गेन, सेंस ऑर्गेन में एक वह सेल जो पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार के स्टिमुलस के लिए जो फ्रेंड सेंसिटिव होता है तो उसे क्या कहते हैं। ए इंटर रिसेप्टर, बी इफेक्टर, सी रिसेप्टर, डी एक्सेप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, रिसेप्टर। जो रिसेप्टर होता है फ्रेंड ग्राही वही जो क्या होता है फ्रेंड पर्टिकुलर
स्टिमुलस के लिए जो होता है फ्रेंड सेंसिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसाइडर्ड अ रिसेप्टर, निम्न में से किसको रिसेप्टर के रूप में कंसाइडर्ड नहीं किया जा सकता है। ए ईयर, बी नोज, सी मसल, डी आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर सी मसल। मसल जो होता है फ्रेंड उसे रिसेप्टर के रूप में कंसाइडर्ड नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज में निम्न में से कौन सा हार्मोन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन, बी एस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड हार्मोन, सी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, डी ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड हार्मोन जो है फ्रेंड वह ऑस्टियोपोरोसिस में सिग्निफिकेंट रोल को अदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्जोक्राइन ग्लैंड, निम्न में से कौन एक है जो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्जोक्राइन ग्लैंड दोनों की भांति व्यवहार करता है। दिस इज वह यह है ए सैलाइवरी ग्लैंड, बी पैंक्रियास, सी पिट्यूटरी, डी पैराथायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी पैंक्रियास जो है फ्रेंड वह इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्जोक्राइन ग्लैंड दोनों की भांति जो है फ्रेंड व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड अ टेम्प्रोरी इंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच सीक्रेट एलएच इन ह्यूमन बॉडी इज, एक टेम्प्रोरी इंडोक्राइन ग्लैंड जो ह्यूमन बॉडी में एलएच ल्यूटी एलएच का पूरा नाम जो है फ्रेंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच का पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है फ्रेंड। तो जो वह कौन सी ग्लैंड है हम लोग को बताना है फ्रेंड, ए कॉर्पस कार्डियकम, बी पीनियल ग्लैंड, सी कॉर्पस एलाइटम, डी कॉर्पस लुटियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड कार्पस लुटियम जो है फ्रेंड इसी से जो है फ्रेंड एलएच का सिक्रीशन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में निम्न में से कौन सी ग्लैंड पोस्चर एंड बैलेंस की प्रोसेस में प्रोसेस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला, डी पोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड सेरेबेलम जो होता है फ्रेंड वह पॉस्चर और बैलेंस ह्यूमन बॉडी में जो फ्रेंड पॉस्चर और बैलेंस को मेंटेनिंग करने में जो फ्रेंड हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड ग्रेव डिसीज इज कास्ड ड्यू टू ग्रेव डिसीज किसके कारण होता है। ए हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, सी हाइपर टेंशन ऑफ थायरॉक्सिन, डी हाइपोटेंशन ऑफ TSH। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड से जब थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में सिक्रीट होने लगता है तो फ्रेंड उसे क्या कहते हैं ग्रेव्स डिसीज हो जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड द हार्मोन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सर्केडियन रिदम इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में कौन सा हार्मोन है जो फ्रेंड और सर्केडियन रिदम मतलब सोने और जागने की क्रिया को जो फ्रेंड जो ह्यूमन की बॉडी में क्लॉक होता है उसको मतलब मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए। तो ए है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी है मेलेटोनिन हार्मोन, सी है इंसुलिन हार्मोन, डी है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन जो फ्रेंड हमारी बॉडी में 24 घंटे की प्रोसेस जो होती है सोने जागने की इसको जो फ्रेंड कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है द हार्मोन मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, हार्मोन मेलेटोनिन जो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है वो कहाँ सिक्रेट होता है फ्रेंड, ए थायरॉयड ग्लैंड, बी पिट्यूटरी, सी पीनियल, डी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर सी पीनियल ग्लैंड से जो है फ्रेंड क्या होता है हार्मोन मेलेटोनिन सिक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स पेयर की संख्या बताइए जो स्पाइनल कॉर्ड से उत्पन्न होते हैं, ए 21, बी 31, सी 41, डी 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 31 जो नर्व्स पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं फ्रेंड वह जो पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या जो फ्रेंड 31 होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड सेरिबेलम मेडुला एंड पोन्स आर द पार्ट ऑफ, सेरिबेलम मेडुला एंड पोन्स जो है फ्रेंड वह ब्रेन के किस पार्ट के भाग होते हैं, मिड ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के, फोर ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हाइंड ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन वाला पार्ट होता है उसका जो है फ्रेंड सेरिबेलम मेडुला एंड पोन्स क्या होते हैं उसी के पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, निम्न में से कौन एक सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस है। ए पर्सन पुल्स अभी हिज हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब कोई व्यक्ति अपने हाथ को एक गर्म वस्तु पर रखता है। बी ए पर्सन स्पिट्स आउट इमीडिएटली व्हेन अ फ्लाई एंटर हिज माउथ व्हाइल टॉकिंग, सी ए पर्सन वॉकिंग बेयर फुट इट्स लिफ्ट हिज फुट एट वंस ऑन स्टेपिंग ऑन टू अ नेल, डी ए पर्सन प्यूपिल कंट्रैक्ट एट वंस इन
द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट। तो इस ब्राइट लाइट तो इसका राइट आंसर हो फ्रेंड हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 जो है फ्रेंड बी एंड डी। तो बी वाला दिया है फ्रेंड, हम लोग देख लेते हैं बी वाला कहते हैं ए पर्सन स्पीड आउट इमीडिएटली, कोई भी पर्सन जब स्पीड करता है अचानक होना फ्लाई इंटर हिज माउथ, जब उसके माउथ में फ्रेंड जो है जब वह बोलता है तो उस समय जब उसके माउथ में कोई फ्लाई इंटर कर जाता है। और अगला दिया है फ्रेंड डी वाला ए पर्सन पीपल्स कंटैक्ट, किसी व्यक्ति का पीपल जो आँख में होती है फ्रेंड वह कंटैक्ट करती है एट वंस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट, जब उस पर एक चमकदार रोशनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 जो है फ्रेंड बी एंड डी, इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड।